नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या लाल और आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। आइए देखते हैं आज की खबरों को। तेलंगाना के मुख्य सचिव ने गांधीपेट के सौंदर्यकरण और विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने मंगलवार को अधिकारियों को गांधीपेट झील सौंदर्यकरण और विकास परियोजना के पहले चरण के तहत एक साइकिल ट्रैक और पैदल ट्रैक विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने यहां कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को क्षेत्र का निरीक्षण कर जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। वो चाहती हैं कि अधिकारी झील के चारों ओर सौंदर्यकरण कार्यों के लिए व्यापक योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के तहत व्यवहार्य स्थानों पर पार्क भी व्यवस्थित किए जाएं। बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अदालत में दायर मामलों के लिए उपाय शुरू करें। बैठक में शहरी विकास विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार और एचएमडी बंदोबस्ती रंगा रेड्डी और संगा रेड्डी, जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, बीआरएस एनआरआई 17 फरवरी को सीएम के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन पर सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करेगी। बीआरएस एनआरआई समन्वयक महेश बिगाला ने दुनिया के सभी हिस्सों से एनआरआई को बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना राज्य के गठन के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन मनाने का आह्वान किया। 17 फरवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बीआरएस पार्टी के सदस्यों से विभिन्न देशों से ग्रीन चैलेंज के तहत रक्तदान शिविर आयोजित करने और पौधे लगाने का अनुरोध किया गया। बीआरएस प्रतिनिधियों को बड़े पैमाने पर अनाथों की मदद करने जैसे कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग पैडलर्स को किया गिरफ्तार। गांजा सप्लाई करने वाले और अन्य नशीले पदार्थ बेचने वाले 3 अंतर्राज्यीय गिरोह को शहर की पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने 204 ग्राम MDMA, 110 किलोग्राम मारीजुआना, कुछ सेलफोन, नकदी और कार जब्त की। सभी की कीमत 60 लाख रुपए थी। पुलिस ने शहर के HITECCT क्षेत्र से एक ड्रग उपभोक्ता को ट्रैक करके राज्य को दवा की आपूर्ति पर एक बड़ी लीड हासिल करने में कामयाबी हासिल की। शहर की पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि पुलिस ने जांच की और कोंडापुर निवासी एक सना खान को पाया, जो एक आईटी कर्मचारी है और वो कथित तौर पर हैदराबाद में MDMA उसका सेवन और बिक्री करती थी और उपभोक्ता से हैदराबाद में ड्रग नेटवर्क को ट्रैक करने में पुलिस की मदद की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान प्राप्त ड्रग रैकेट के बारे में जानकारी मुंबई पुलिस के साथ साझा की गई है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पुनर्सीमांकन और तेलंगाना में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने का कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने बीआरएस सरकार की मांग पर विधानसभा क्षेत्र बढ़ाने की कोई योजना नहीं बनाई। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत मौजूदा 119 सीटों को बढ़ाकर 153 करने की मांग की, क्योंकि हालांकि किशन रेड्डी ने कहा है कि राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप विधानसभा सीटों को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का पुनराधिकरण इसलिए किया गया क्योंकि देश में जब परिसीमन चल रहा था तब कश्मीर में कोई सीमांकन नहीं था। बीआरएस ने बीबीसी इंडिया में आईटी सर्वे पर केंद्र की खिल्ली उड़ाई। भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस ने मंगलवार को बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में कर सर्वेक्षण करने के लिए आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की खिल्ली उड़ाई। पार्टी के अधिकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सोशल मीडिया पर यह सोच आश्चर्य व्यक्त किया है, क्या ईडी अगले हिंडनबर्ग पर छापा मारेगी या शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का प्रयास होगा। रामाराव ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि आईटी, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां भाजपा की सबसे बड़ी कठपुतली बन गई है। तेलंगाना वन विभाग ने नुमाइश में स्टॉल के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। तेलंगाना वन विभाग ने हैदराबाद औद्योगिक प्रदर्शनी में परियोजना कार्यान्वयन और प्रदर्शनी खंड के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। गृह मंत्री महमूद अली ने 2023 नुमाइश प्रदर्शनी के समापन समारोह में वन अधिकारियों को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें पिछले 8 सालों से तेलंगाना में हरिता हरम के माध्यम से वन विभाग द्वारा कार्यान्वित अभिनव योजनाओं और स्टॉल पर उनकी प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोदावरी एक्सप्रेस हाईवे के पास पटरी से उतरी यात्री सुरक्षित। बीबी नगर में गोदावरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ये घटना विशाखापट्टनम से हैदराबाद आते समय हुआ। इस हादसे के कारण ट्रेन में यात्रा कर रहे सभी यात्री दहशत में आ गए और हादसे के वक्त मालगाड़ी दूसरे ट्रैक से नीचे उतर गई। एक बड़ा खतरा बाल बाल टल गया। PRO दक्षिण मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार विशाखापट्टनम सिकंदराबाद गोदावरी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे आज तेलंगाना के बीबी नगर के पास पटरी से उतर गए। इस हादसे में किसी के घायल होने या फिर किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और हादसे के कारण कई ट्रेनें बाधित रहीं। कई ट्रेनों को भुवनगिरी, बीबी नगर और घटकेसर स्टेशन तक। हैदराबाद में रात का तापमान एक अंक में गिर गया। हैदराबाद में दिन भले ही तेज गर्म हो रहा हो लेकिन सुबह और रातें कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहर मंगलवार की सुबह धुंध की चादर में लपटा हुआ उठा क्योंकि विभिन्न इलाकों में रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे और एक अंक तक गिर गया। अधिकारियों ने कहा कि शहर में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। मंगलवार तड़के शहर में औसत न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रामचंद्रपुरम और पाटन चरवू में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीएम केसीआर ने संत सेवालाल महाराज की जयंती पर दी बधाई। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 15 फरवरी को अध्यात्मवादी और समाज सुधारक संत सेवालाल महाराज को बंजारा और लंबाड़ा समुदायों द्वारा सम्मानित किया और उनकी 284वीं जयंती के अवसर पर उन्हें बधाई दी। बंजारा भवन का नाम बंजारा हिल्स में आदिवासी आइकन के नाम पर रखा गया और अधिकारियों के तौर पर उसी मिट्टी पर उनकी जयंती मनाई जा रही है जहां वो लगभग 3 शताब्दी पहले चले थे। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवालाल महाराज की जयंती समारोह इस तर्क के लिए एक और उदाहरण है कि तेलंगाना राज्य के गठन से दलित समुदायों की पहचान और स्वाभिमान को उचित मान्यता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि वनों में प्रकृति पूजा आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के अपने अनूठे तरीकों को संरक्षित करने के लिए आदिवासियों के प्रयास सराहनीय है। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप देखते रहिए नव भारत।